हेलो एवरीबॉडी, मैं सावर कुमार तिवारी। ठीक है, आई एम सावर कुमार तिवारी, क्लास 11th एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम। ओके, तो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री उसकी ब्रांचेस। ठीक है, तो कैसे कैसे है, तो आपको पता है कि क्या है कि आज भी 70%, ठीक है, 70% पॉपुलेशन आए इंडिया 70% पॉपुलेशन ही कहाँ है, कंट्री कहाँ है, गाँव में निवास करती है। तो इंडिया में क्या है कि 70% पॉपुलेशन कहाँ है, आज भी कहाँ निवास करती है, विलेजों में। इंडिया की 70% पॉपुलेशन कहाँ है, आज भी विलेजों में क्या करती है, वहीं रहते हैं। और जो किस पर है, उनका मेन व्यवसाय क्या है, एग्रीकल्चर एंड एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड एग्रो इंडस्ट्रीज क्या है, उनका इकोनॉमिक है, क्या है ये इकोनॉमिक या इनका है, क्या ये व्यवसाय है। ठीक है, तो 70% पॉपुलेशन ही इन इंडिया कंट्री टू कहाँ है, विलेज। ठीक है, और ये कहाँ है, एग्रीकल्चर एंड एग्रो किस पर निर्भर है, ये एग्रीकल्चर एंड एग्रो इंडस्ट्रीज पर। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट कि बेसिक एग्रीकल्चर पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं अपन। तो देखो, और अपने जो प्राचीन क्या होते हैं, जो एंसेंट होते हैं, एंसेंट तो क्या होता है, एंसेंट में क्या बताया गया कि एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया, एंसेंट में क्या बताया गया एग्रीकल्चर या प्राचीन ग्रंथों में एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है। तो एंसेंट कौन कौन से हैं, देखो कौन कौन से ग्रंथ है अपने पास, जैसे अपन बात करते हैं अर्थवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, ठीक है, कृषि सूक्ता, तो ये इत्यादि चीज़ें हैं। ठीक है, ये ETC हैं, मतलब इनमें क्या है, कृषि वेद, कृषि ऋग्वेद, कृषि सूक्ता, इन एंसेंट में क्या बताया गया आपको कि एग्रीकल्चर क्या होता था, प्राचीन समय में भी होता था, पहले भी की जाती थी खेतीबाड़ी, तो इसलिए क्या है, ये बताया गया आपके एग्रीकल्चर का। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास, कि आपने देखा होगा, आपने पढ़ी होगी कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये जो आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनमें भी क्या बताया गया है, एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया। कैसे बताया गया है, देखो इनमें क्या बताया गया है कि आपको बताए कि क्या है, ग्रेनेज के बारे में बताया गया, ग्रेन्स के बारे में बताया गया, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया, एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में बताया गया, कल्टीवेटेड फील्ड बताए गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या की बताई गई, तो क्या था, 70% पॉपुलेशन विलेज या एग्री पे निर्भर है। ठीक है, डिपेंड ऑन, देखो तो 70% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन क्या है, विलेज या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ओके, फिर क्या है नेक्स्ट कि एग्रीकल्चर क्या है, 70% डिपेंड ऑन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर या एग्रो इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्या है, सेंट ऑफ द क्या होता है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, कृषि सूक्ता, इन सब में क्या है, कृषि के बारे में बताया गया है। फिर बात करते हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता देखी, तो आपने उसके अंदर क्या बताया, कल्टीवेटेड फील्ड बताए गए हैं, कल्टीवेटेड इंस्ट्रूमेंट, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट बताए गए हैं। ठीक है, या आपको क्या बताए गए हैं, किसे व्हीकल के वो बताए गए हैं, व्हीकल्स के निशान बताए गए हैं। ठीक है, स्टिकर्स बताए गए, तो ये सारी चीज़ें इनमें क्या बताएगी, ये बताई गई आपके पास। ठीक है, तो ये तो अपन बात करते हैं मेन कृषि के बारे में। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं ऋग्वेद की, ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में क्या बताया गया है, जैसे फॉरेस्ट्री के बारे में बताया गया है, किसके बारे में, फॉरेस्ट्री। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस,
ठीक है, ये सारी चीज़ें बताएगी ये। और आपको बता दूं मैं एग्रीकल्चर क्या है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स क्या है, ये क्या है, इनका कंपाउंड है, क्या है, मिश्रित रूप है, कंपाउंड है, मिक्स्ड है ये पूरा, ठीक है। क्या है, एग्रीकल्चर को क्या कह सकते हैं अपन, आर्ट्स भी कह सकते हैं, साइंस भी और कॉमर्स भी, तीनों ही चीज़ों की, ठीक है। तो बेसिक एग्रीकल्चर की बात हो गई, अब बात करते हैं कि इसमें होता क्या है, ठीक है। आगे देखो कौन कौन से टर्म्स हैं, जैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ अपना, देखो फर्स्ट बात करते हैं IARI, क्या था IARI, कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब थी, एस्टेब्लिशमेंट थी इसकी 1995। देखो कहाँ है ये, पूसा, कहाँ पर है ये, पूसा, कहाँ पर है पूसा, कहाँ है, दरभंगा बिहार, तो कहाँ है ये, पूसा बिहार में, कहाँ है, पूसा बिहार, ठीक है। तो इसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या किया था, मनी दिया था किसने, इसका पूसा नाम का रीज़न है, पूसा नाम का रीज़न क्या है, देखो क्योंकि फिलिप्स एक पर्सन है, फिलिप्स ऑफ USA, तो इसने क्या किया गया था, मनी दिया था किसके लिए, इसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए, किसके लिए, IARI के निर्माण के लिए, तो फिलिप्स था, तो फिलिप्स ऑफ USA कहाँ का था, USA का था, इसलिए क्या किया गया, इसके नाम पे जो भी कोई वैरायटी रिलीज होती है तो उसके आगे IARI से जब भी कोई वैरायटी रिलीज होगी तो उसके नाम के आगे लिखा रहता है क्या, पूसा केसरी, पूसा सुक्ता, पूसा मृदुला, ये सारी वैरायटी कहाँ से, IARI से। अब देखो 1911 में क्या हुआ था कि इसका नाम रखा गया, क्या नाम था, इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखा गया भाई, पहले ये नाम नहीं था इसका, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये नहीं था, ये था इसका नाम इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन क्या हुआ 1934 में क्या हुआ, अर्थक्वेक के कारण, अर्थक्वेक आ जानते हो ना, यानी बाढ़ के कारण ये क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, यानी ये क्या हो गया, नष्ट हो गया, ये क्या हो गया, टूट गया, ठीक है, तो ब्रेक हो गया, तो ये क्या हो गया, जिसके कारण ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया, किसमें, 1934 में। तो अब इसका क्या किया गया, 1936 में पुनः एस्टेब्लिशमेंट किया गया, कहाँ पर, पूसा पूसा न्यू दिल्ली, पूसा न्यू दिल्ली में किया गया, और इसका नाम क्या रखा गया, वही इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम क्या हो गया फिर 1936 में इसका नाम क्या हो गया भैया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, समझ गए, पूसा न्यू दिल्ली में, ओके। तो ये क्या था, IARI क्या है, 1935 में क्वेश्चन आता है आपके JET ICER BHU वगैरह पेपरों में कि भाई इसका नाम क्या है, फुल नेम पूछ लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लिखना है आपको। लेकिन क्या था, 1905 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई पूसा बिहार में, ठीक है। किस पूसा का रीज़न क्या है, पूसा का रीज़न क्या है, फिलिप्स ऑफ USA के नाम का एक पर्सन था जिसने क्या किया था, मनी दिया था जिसके लिए, IARI के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ठीक है। 1911 की बात करते हैं तो इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम था, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पहले, ठीक है। फिर इसका नाम क्या हो गया, 1934 में क्या हो गया, अर्थक्वेक के कारण क्या हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है। और 1936 में पूसा न्यू दिल्ली में इसका पुनर्निर्माण किया गया, पुनः इस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है। और फिर इसका नाम क्या कर दिया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया, ओके।
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है ICAR। तो ICAR का नाम क्या है, वही इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सॉरी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका नाम था। इसकी एस्टेब्लिशमेंट थी 16 जुलाई 1929। ओके, कहाँ है वही, अपने पूसा न्यू दिल्ली, पूसा न्यू दिल्ली के अंदर। ओके, अब बात करते हैं यहाँ कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया था अपने पास, कौन था ये, M.S. स्वामीनाथन, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जी थे, इन्होंने क्या किया था कि शॉर्ट लेंथ की क्या की भी थी, क्रॉप डेवलप की, क्योंकि अपने क्या था कि इनसे पहले इन्हें क्या कहा जाता है, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है एग्रीकल्चर में, ठीक है, M.S. स्वामीनाथन। इन्होंने क्या किया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन दिया था, ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है, शॉर्ट क्रॉप का भी क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है, बोनी किस्म का भी, ठीक है। तो ये क्या कहा था, टॉल रेजिस्टेंस वैरायटी बनाई थी इन्होंने, तो ये थे। अब बात करते हैं इसकी फटाफट एग्रीकल्चर ब्रांचेज, वही एग्रीकल्चर में क्या क्या है, कौन कौन सी ब्रांचेज आती है, ठीक है, तो देखते हैं अपन ब्रांचेज के बारे में कौन कौन से हैं अपने पास। देखो फर्स्ट एग्रीकल्चर, टू पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे इसको, एग्री कल्चर, ठीक है। देखो क्या होता है एग्री, सॉइल, कल्चर क्या होता है, कल्टीवेशन, क्या होता है कल्चर, कल्टीवेशन होता है। कौन सा वर्ड है, ये वर्ड है एग्रीकल्चर कौन सा है, कौन सी भाषा का है, मतलब कौन सी लैंग्वेज का है, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये है भैया कल्चर है आपका, तो लेटिन, कौन सी का है, लेटिन। देखो आपको एक चीज बता देता हूँ, किसी भी, देखो अगर किसी वर्ड के लास्ट में, ठीक है, लास्ट जो वर्ड होता है वर्ड के लास्ट में क्या आ जाए, कल्चर आ जाए, क्या आ जाए, कल्चर, तो कौन सा वर्ड होगा, लैटिन होगा, कौन सा होगा, लैटिन होगा, ठीक है। अगर क्या आ जाए, नोमियालॉजी वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, नोमी या लॉजी, तो क्या होगा वो, ग्रीक, कौन सी लैंग्वेज का होगा, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होगा, कौन सी का, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होगा। ओके, तो ये एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की अपन बात की, टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एग्री और कल्चर, एग्री मीन्स सॉइल, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, वर्ड्स हो गया, कौन सी वर्ड, कौन सी लैंग्वेज वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। अगर लास्ट में किसी में क्या आ जाए, कल्चर वर्ड आ जाता है, तो वो कौन सी का हो जाता है, लैटिन का हो जाता है, या नोमी या लूजी आ जाए, वो कुछ का हो जाएगा, ग्रीक का हो जाएगा। ओके, देखो अब क्या है कि अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन क्या है कि सोइल के अपर पार्ट पे जो कल्टीवेशन किया जाता है वो सारी क्या होती है, एग्रीकल्चर है, क्या है वो, एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एग्रोस नॉमस, ठीक है, एग्रोस यानी होता है आपके फील्ड, एग्रोस मीन्स होता है फील्ड, और नॉमस मीन्स होता है मैनेजमेंट,
नॉमस मीन्स होता है मैनेजमेंट। ओके, वर्ड कौन सी का है, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, देखो वर्ड नोमी है लास्ट में, तो क्या आएगा, ग्रीक। क्या आएगा, ग्रीक। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एग्रीकल्चर क्या होती है इसकी, तो एग्रीकल्चर ब्रांच ऑफ क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आप क्या लिख सकते हो, क्रॉप प्रोडक्शन विच द ब्रांच क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। ओके, तो ये दो हो गई अपने, एग्रीकल्चर एग्री और कल्चर, एग्री मीन्स सॉइल, कल्चर मीन्स कल्टिवेशन, वर्ड हो गया लेटिन। सेकेंड है एग्रोनॉमी, एग्रोस नॉमस, एग्रोस मीन्स फील्ड, नॉमस मीन्स मैनेजमेंट, वर्ड हो गया ग्रीक। ठीक है, डेफिनेशन अपन ने बोल दी, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट, ठीक है, कॉल टू एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, सॉरी कॉल टू एग्रोनॉमी। थर्ड है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर टू पार्ट्स में डिवाइड, हॉर्टस यानी गार्डन होता है और ये होता है कल्टीवेशन। ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, कल्चर यानी कल्टीवेशन। ठीक है, तो हॉर्टस यानी गार्डन होता है, कल्चर यानी कल्टीवेशन होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि दिस ब्रांच क्या है, दिस ब्रांच फ्लावर, इसमें कौन कौन से आते हैं, देखो फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर। ठीक है, तो दिस ब्रांच कल्टिवेटेड फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर इज कॉल्ड टू हॉर्टिकल्चर, इज कॉल्ड टू हॉर्टिकल्चर। वर्ड कौन सा हो गया, क्या होगा, लेटिन। कौन सा वर्ड हो गया, लेटिन। ओके, एनिमल एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है भैया, देखो इसमें क्या है, सीधी सी बात बता देता हूँ मैं, सिंपल सी, क्या है कि एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड टू एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल प्रोडक्शन एंड एनिमल मैनेजमेंट इज कॉल्ड टू एनिमल हस्बेंड्री। ओके, सेरिकल्चर, ठीक है, तो सेरिकल्चर क्या होता है, इंसेक्ट देखो क्या है, इंसेक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्शन। ठीक है, तो सेरिकल्चर क्या होता है कि सेरी इंसेक्ट, तो वॉलवर्म, ठीक है, वॉलवर्म इंसेक्ट, वॉलवर्म लिख लो याद हो, वॉलवर्म इंसेक्ट प्रोडक्शन इज कॉल्ड टू सेरिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एपिकल्चर। ठीक है, एपिकल्चर क्या होता है, तो एपिकल्चर क्या होता है, दिस ब्रांच ऑफ, क्या नाम है इसका, एपिकल्चर। तो एपिकल्चर में क्या होता है, आपको पता है बी, ठीक है, तो बी प्रोडक्शन एंड हनी, हनी स्टोरेज,
बी प्रोडक्शन एंड हनी स्टोरेज। ठीक है, एपिकल्चर में क्या होता है, बी प्रोडक्शन एंड हनी स्टोरेज, मतलब अपन क्या करते हैं, मधुमक्खी का उत्पादन करते हैं और क्या करते हैं, शहद उत्पादन करते हैं। ठीक है, शहद प्राप्त करते हैं या तो, ठीक है, एपिकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या है कि एग्रीकल्चर न्यू टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर न्यू टेक डेवलप न्यू टेक्नो एग्रीकल्चर डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, विजिट टू फार्म टू फार्म। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की कोई नई टेक्नोलॉजी है उसको कहाँ करते हैं, खेतों तक पहुँचाते हैं, फार्मर तक। तो एग्रीकल्चर डेवलप्ड न्यू टेक्नोलॉजी फार्मर टू फार्मर, किसान से किसान तक तो पहुंचाते हैं, या फील्ड लिख लो आप इसको यहाँ तक, फार्मर टू फील्ड, जो भी नई तकनीकें होती हैं उनको कहाँ तक, या तो कहाँ तक पहुंचाते हैं, किसानों तक, या कहाँ पहुंचाते हैं उसको, खेतों तक यानी फार्मर तक। सेवंथ है देखो आपके पास, प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी स्ट्रीम क्या है, देखो प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है, तो देखो प्लांट पैथोलॉजी क्या है कि दिस ब्रांच जो क्रॉप इंसेक्ट होते हैं, जो क्रॉप क्या होते हैं, जो क्रॉप क्या करते हैं, प्लांट डिजीज होती है, यानी क्रॉप की जो डिजीज होती है उसको, उसके बारे में जो पता करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या है, प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट डिजीज टू मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट, प्लांट डिजीज मैनेजमेंट इज कॉल्ड टू प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, समझ गए, मतलब क्या है, प्लांट डिजीज जो मैनेजमेंट है उसको क्या क्या कहते हैं अपन, क्या कह रहे हैं, प्लांट पैथोलॉजी कह रहे हैं। ठीक है, प्लांट देखो एक होता है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी होता है यानी इंसेक्ट के लिए, लॉजी वर्ड आ गया, कौन सी का आ गया, ग्रीक का, कौन सी लैंग्वेज का हो गया ये, कौन सा वर्ड हो गया लैंग्वेज का, ग्रीक। ठीक है, क्या होता है इसमें कि जो प्लांट्स पार्ट होते हैं उनको जो इंसेक्ट क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय या ख़त्म करते हैं, वो क्या करते हैं, एंटोमोलॉजी कहलाते हैं। उनमें क्या करते हैं, इंसेक्ट को क्या करते हैं, मैनेजमेंट, एंड क्या करते हैं, तो देखो प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंस टू मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट, तो क्या है, प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंस एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड टू एंटोमोलॉजी। ओके, ओके, थैंक्स। जैसा भी अगर आपको अच्छा लगा हो, देखो एपिकल्चर बी प्रोडक्शन और हनी के, हनी स्टोरेज में होता है, एपिकल्चर जो होता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होता है, एग्रीकल्चर की न्यू डेवलप टेक्नोलॉजी होती है उनको क्या करते हैं, फार्मर टू फील्ड, ठीक है, फार्मर से फील्ड तक पहुँचाना है। प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है, प्लांट डिजीज जो इंसेक्टेड प्लांट डिजीज है, ठीक है, उनका मैनेजमेंट करना है, यानी उनका, उनको क्या करना है, वापस से सही करना है, तो वो क्या है, प्लांट पैथोलॉजी। एंटोमोलॉजी में भी यही है कि प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंस या मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड टू एंटोमोलॉजी, प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंस मैनेजमेंट इज कॉल्ड टू एंटोमोलॉजी। ओके, थैंक्स।